तो हमारी पूरी संवेदना वहां के किसानों के, वहां के नागरिकों के प्रति है। वो एक छोटा स्टेट है, सरकारों को तुरंत भारत सरकार को वहां पे राहत पैकेज देना चाहिए, जिससे किसानों का भला हो, वहां के जो नागरिक है उनका भला हो, और उसको हिमाचल को, जो खूबसूरत हिमाचल है, हम उसको कैसे आगे बढ़ाने का काम करें, ये भारत सरकार का दायित्व बनता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने एक बड़ी आफत, एक बड़ी तबाही ला दी है। दरअसल लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई ऐसे घर, कई ऐसे पुल पुलिया जो लगभग 100 साल पुराने थे, वो पूरी तरीके से ढह गए, बह गए, और लोग जो है अपने घरों से बेघर होकर रास्तों पर, सड़कों पर रहने को मजबूर है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो राहत पहुंचाना था वो तो पहुंचा ही जा रहा है, लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के अब जो एक तरीके से कृषि और उसके अलावा भी, और आप कह सकते हैं किसानों के लिए एक मसीहा के तौर पर चेहरा माने जाते हैं राकेश टिकैत ने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने पक्ष को रखा और ये कहा है कि जो केंद्र की सरकार है उन्हें भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सीधे तौर पर उस प्रदेश की मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। पहले जो है, सबसे पहले आप जो है राकेश टिकैत के इस पूरे बयान को सुनिए, उन्होंने कैसे सरकार से गुहार लगाई। हम आज बात कर लेते हैं हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल एक वो प्रदेश है जो बहुत खूबसूरत प्रदेश, हरियाली, ग्रीनरी, पेड़, जंगल, पहाड़ और नदियां, और जहां पे टूरिस्ट बहुत जाता है, वहां की एग्रीकल्चर, वहां का टूरिज्म, इन्हीं दो चीजों से वहां पे आमदनी है, वहां के लोग उसी से ही गुजर बसर अपना करते हैं। लेकिन पिछले जुलाई से वहां पे जो ज्यादा वर्षा हुई है पहाड़ों के ऊपर, उससे बहुत नुकसान हिमाचल को हुआ है। वहां पे जो 100 साल पुराने पुल थे वे टूटे, वहां की सड़कें, छोटी सड़कें और बड़े हाईवे तक नष्ट वहां के हुए। वहां के मकान जो बहुत पुराने मकान बने थे वे टूटे, जान माल का बहुत नुकसान वहां पे हुआ। वहां पे पूरा जो फॉरेस्ट था, हॉर्टिकल्चर का था, उसमें बागवानी और जो किसान उसमें आते थे, उनका नुकसान हुआ। तो हमारी पूरी संवेदना वहाँ के किसानों के, वहाँ के नागरिकों के प्रति है। वो एक छोटा स्टेट है, सरकारों को तुरंत, भारत सरकार को वहाँ पे राहत पैकेज देना चाहिए, जिससे किसानों का भला हो, वहाँ के जो नागरिक है उनका भला हो, और उसको हिमाचल को, जो खूबसूरत हिमाचल है, हम उसको कैसे आगे बढ़ाने का काम करें, ये भारत सरकार का दायित्व बनता है। हमने अपनी भी जो भारतीय किसान यूनियन की यूनिट है, हमने उसको भी सलाह दी है और उससे भी एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट वहाँ की मांगी है कि किस जिले में कहाँ कितना नुकसान हुआ होगा, क्या क्या वहाँ करना चाहिए काम, वो हमको कार्यालय को बना के भेजें, जिससे हम भी भारत सरकार को दिखें और स्टेट गवर्नमेंट से भी बात कर सके। जो भी हमारे से सहयोग होगा, हम सरकारों के साथ में, वहाँ के नागरिकों के साथ में, हमारा संगठन काम करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। तो आपने सुना दर्शकों, लगातार वो यही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो किसान हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, जिनके सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि किसान लगातार इस तरीके से जो है बर्बाद होता चला जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।